तब तो बस में क्या हुआ था? किसकी किसकी मारपीट? तो गाइस हम लोग स्कूल में आ चुके हैं। देखो यहाँ ना है तुझे पढ़ने रोज, ठीक है? तो गाइस यहाँ दुकान में हमने प्रेम को भेजा है चोरा फड़ी खाकराला ने। चलिए देखते हैं वो ला पाता है या नहीं। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं उठ गई हूँ आज, तो मत पूछिए गाइस, इतना सुबह उठे ना नींद ही खुल गई। तो बाहर झाड़ू मार ली, पानी से धो भी दिया और प्लेटफॉर्म भी साफ कर दिया, बर्तन भी धो दिया, पानी भी भर लिया, बस टंकी में पानी चढ़ा रही हूँ और कपड़ा धोना बाकी है गाइस। आज रिनेश जी के साथ जाना है उनके कॉलेज, तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ जो जो बाकी है काम। देख सकते हैं पूरा धो के जगह चेक कर दिए प्लेटफॉर्म। ये दोनों सो रहे हैं अभी तक, वैसे भी 6 बजे कौन उठेगा। मैं तो आज बहुत ही जल्दी उठ गए। सुनिए ना, आज दूध वाली देखे कितनी जल्दी आ गई। हाँ अभी कल 8 बजे आ गई थी, आज 6 बजे आ गई। वो रही मासी। ले लिया गाइस मैंने दूध, अभी तो चाय नहीं बना सकती क्योंकि अभी तो 6 बज रहे हैं, वो सब उठेंगे, फ्रेश होगा, टाइम लग जाएगा। क्या करूँ, कचरे वाले कब आएंगे पता नहीं। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब बनाऊंगी चाय। दिनेश जी भी नहा लिए। क्या चाहिए, कपड़ा कौन सा वाला? ये धूप तो क्या पहनना, भरता यही तो बोल रही है ना। ये लीजिए और टी शर्ट कौन सा पहनना? तो गाइस मैंने दे दिया है रमेश जी को कपड़ा, आप चाय बनाने जा रही हूँ। फिर जाना है प्रेम का स्कूल, एडमिशन करना है। रेडी हो गया हमारी चाय, लीजिए जी चाय। हो गया नाश्ते का टाइम, ये है चाय। ये तो सबको ही पता है, बताने की क्या जरूरत है। ये खाकरा ये भी सबको पता है, ये मधु का फेवरेट है ना। कल मित्र लेके लेके आए के सरप्राइज लगा दे रहे हो। मुझे नहीं पता कब लेके आ जाएगा। अब तो एग्जाम चलेगी तब तक आएगा, उसके बाद बंद। और प्रेम नंगू पंगू इंसान, दिखाओ क्या खा रहे हो। दूध और बिस्किट और ये खाकरा। चलो चलो चलो। तो गाइस नाश्ता वास्ता हो चुका है और हम अभी जा रहे हैं प्रेम का एडमिशन करवाने और फिर वहाँ से चले जाएंगे सीधा कॉलेज। मेरा आज भी एग्ज़ाम है और ये लोग आज साथ में चल रहे हैं, तो चलिए पहले इसका एडमिशन करवाते हैं। कल से इसका, कल तो संडे है, परसों से इसका शुरू हो जाए स्कूल। तो चलो पहले स्कूल चले। तो गाइस हम लोग स्कूल में आ चुके हैं। देखो एक सर है जो फॉर्म लेने गए हैं, हम फॉर्म भरेंगे। हमें क्लासरूम में बैठे हैं अभी तो। स्कूल यहाँ आना है तुझे पढ़ने रोज, ठीक है? ये रहा प्रेम का सर। लेकिन आपका भी सपोर्ट, पेरेंट्स जैसा करेंगे उसी तो गाइस प्रेम का एडमिशन हो चुका है, हम लोग उसका फॉर्म भर के आ गए। तो कल छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद परसों से इसका स्कूल चालू। ये अब तो मस्ती नहीं कर पाएगा, अब स्कूल जाना पड़ेगा। गाइस इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन करवाया है और
परसों से चालू है ना मधु? टेंशन दूर, अभी जा रहे हैं हम कॉलेज, तो अभी बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के सीधा कॉलेज, चलिए वहाँ मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस हम लोग अभी बस से उतर चुके हैं, अभी मैंने रैपिडो बुक की है, फोर व्हीलर आती होगी यहाँ से और 7 किलोमीटर दूर है। अभी 1 घंटे बाद मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो तब तक तो मुझे लगता है पहुँच जाएंगे। अभी आ रही है, हम उसमें बैठ के पहुँचते हैं जल्दी। कितना भीड़ था, अभी गाड़ी तो मिल गई है और देखते हैं अब कितने देर में पहुँचते हैं। अभी कितना 1:30 बज रहा है ना, तो 2:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होगी, तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 6.5 या 7 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, तो अभी देखते हैं पहुंच पाते हैं। इधर देखिए, दे दिए एग्जाम, घर चलेंगे ना। मैं बैठी थी पहले वहाँ पे बैठी, उसके बाद यहाँ पे बैठी, लिख लिख के चलिए। तो गाइस यहाँ दुकान में हमने प्रेम को भेजा है चोरा फड़ी काकरा लाने, चलिए देखते हैं वो ला पाता है या नहीं। ए तू मत जा मधु, तू मत जा, उसको लाने दे, आ जा, चल चलो, ले लिया इसने, ले लिया, देखा आया बड़ा। बस मिल गई ना प्रेम, तुरंत एकदम चलो अब घर चलते हैं, बाइंग करके घर चलेंगे। बस खाली, हम तीनों ही बस में, ऐसा इसलिए है कि ट्रैफिक की वजह से हम स्टेशन तक नहीं जा पाए, इसलिए जो बस वाले बैठे हैं वो बोले मैं घुमा के लाता हूँ और स्टेशन पे आप पहुँचा रहा हूँ, ऐसा डायरेक्ट नहीं उतर सकता ना, स्टेशन पे उतरना पड़ता है, जैसे घुमा के फिर वापस जा रहे हैं, ट्रैफिक के और ट्रैफिक के साथ। तो मधु बस में क्या हुआ था? किसकी किसकी मारपीट? तो गाइस सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस हमने, मैंने और प्रेम ने थोड़ा सा कुछ खाया था, मधु ने तो कुछ, इसको तो भूख लगी है बहुत ज्यादा, देखते हैं आगे क्या नाश्ता मिलता है, कुछ खाते हैं। तो गाइस अब टाइम है खाने का, ये देखो प्रेम खाना खाने बैठ गए, हम भी खा रहे हैं। आज कुछ नहीं गाइस, जल्दी आए तो उसे चावल सोयाबीन के साथ बना दिए और प्याज है, चलो खा लेते हैं पहले और बाकी सब बातें बाद में, बहुत भूख लगी है। तो
तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे व्लॉग देखने के लिए। आगे से ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।